भारत संविधान से चलने वाला देश है। ऐसे में कई बार हमारे सामने सवाल आते हैं, क्या भारत संविधान के आधार पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भाई कई बार ऐसे मुद्दे हमारे सामने आते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत में कभी कभी संविधान की बातों को दरकिनार करते हुए हम सार्वजनिक मूल्यों पर बहस अधिक करने लगते हैं। आप देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, और वहीं पर कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जहां पर किसी एक धर्म को प्रमुखता से सामने रखने की बात होती है। ऐसे में कई ऐसे निर्णय भी आते हैं जिसको लेकर हम कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से यह निर्णय तो सही हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप पर उनकी व्याख्या करना ज्यादा आवश्यक होता है। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर संविधान, संविधानवाद और ऐसे मुद्दे जो हमारे सामने आ रहे हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट की स्थिति इसमें क्या होनी चाहिए, और सरकार का हस्तक्षेप संविधान के लिए क्या होना चाहिए। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर संविधान क्या होता है। देखिए संविधान का मतलब होता है कि जहां पर एक आधारभूत नियम तय किए जाए जिसके माध्यम से एक राष्ट्र को चलाया जा सके। जी हाँ, किसी राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको ऐसे नियम की आवश्यकता होती है जिस नियम का मानना हर किसी के लिए बाध्यकारी हो। अगर आपको याद हो तो मोंटेस्क ने कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉस में लिखा था कि सरकार को और उसकी शक्तियों को हमें तीन भाग में विभक्त करना चाहिए, जिसको उन्होंने नाम दिया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। जहां लेजिस्लेचर अर्थात विधायिका का कार्य होता है कि वह कानून का निर्माण करे, वहीं पर एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका का काम होता है कि वह जो बनाए गए नियम हैं उनका सही से पालन करवाए, और वहीं पर जुडिशियरी अर्थात न्यायपालिका का अर्थ होता है कि वह यह देखे कि कार्यपालिका और विधायिका अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और यह तीनों आपस में क्षैतिज रूप से अपनी शक्तियों को शेयर करेंगे, अर्थात इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और यहाँ पर एक सिद्धांत होता है, इसे बोलते हैं चेक एंड बैलेंस, अर्थात यह तीनों एक दूसरे की शक्तियों का सही तरीके से देखभाल करते हैं कि आखिर ये अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा जो हमारे सामने आता है वह यह आता है कि देश में क्या संविधान की बातों को माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात आती है, वो आता है संविधानवाद। जी हाँ, हम बात करें तो संविधान तो पूरे विश्व में हर देश में होता है, क्योंकि एक नियम के आधार पर हर देश चलता है। चाहे हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, चाहे चीन की बात करें, चाहे सऊदी अरब की बात करें, ये देश भी अपने यहाँ एक तय किए हुए नियम के आधार पर चलते हैं। ऐसे में संविधान तो है, लेकिन बात जो सबसे प्रमुख है किसी भी लोकतांत्रिक देश की वह आती है संविधानवाद की। जी हाँ, संविधानवाद क्या होता है, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए जब किसी देश की सत्ता को संविधान के माध्यम से नियंत्रित किया जा सके, जी हाँ, एक देश की सत्ता जब एक संविधान से नियंत्रित होती है तो उसे कहा जाता है संविधानवाद। जैसे चीन में संविधानवाद नहीं है, वहां पर तानाशाही की प्रवृत्ति है। नॉर्थ कोरिया संविधानवाद का पालन नहीं करता, नॉर्थ कोरिया में भी तानाशाही प्रवृत्ति है, और वहीं पर हम बात करें सऊदी अरब की तो वहां पर भी संविधानवाद नहीं है। लेकिन हम बात करें भारत की, हम बात करें यूएसए की, हम बात करें फ्रांस की, तो यहाँ पर संविधानवाद हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की शक्ति को संविधान के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। ऐसे में कई सारे मुद्दे हमारे सामने आते हैं, जैसे अभी हाल में सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में उठा हुआ है वह मुद्दा है जम्मू कश्मीर का। जी हाँ, 2019 में जिस समय भारतीय सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से यह बात कही थी कि आर्टिकल 370 को अब यहाँ पर निरस्त किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर को भारत का वह राज्य बनाया जा रहा है कि उसकी शक्तियां भारत के अन्य राज्य की शक्तियों के बराबर ही होंगी, और ऐसे में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को निरस्त किया जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से। ऐसे में पूरे देश में इस बात को लेकर एक सहमति बन चुकी थी, और देखा जाए तो सार्वजनिक रूप से यह बात सही भी है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति जिस तरीके से खराब हो चुकी थी
पिछले 50 सालों में जम्मू कश्मीर जैसा आतंकवाद से जूझ रहा था और वहां पे कश्मीरी पंडितों का जिस तरीके से पलायन हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे मुद्दे हमें उठाने थे जिसके माध्यम से वह भारत के अंदर वैसे ही रहे जैसे कि अन्य राज्य रहते हैं। लेकिन आर्टिकल 370 उसको यह करने से रोक रहा था, क्योंकि कई सारे नियम जो भारत में लागू होते हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आरक्षण। जी हाँ, आरक्षण पूरे देश में लागू होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में आरक्षण लागू नहीं होता था, क्योंकि इसका एक कारण है। कारण यह है, कोई भी नियम अगर भारत में पार्लियामेंट से पास होता था तो उसके बाद उसे जम्मू कश्मीर के विधानसभा से पास कराना पड़ता था। अगर वहां पर पास नहीं हुआ तो वह नियम वहां पर लागू नहीं होगा, और आरक्षण का मुद्दा वहां पर लागू नहीं था। इस चीज को लेकर कई जगहों पर आवाजें उठी, क्यों वहां पर आरक्षण के मुद्दे जो हैं वो लागू नहीं हो रहे, क्यों वहां के लोगों को इस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। तो जब भारतीय सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया तो कई लोगों ने इसको स्वीकार किया कि भाई ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद से आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की स्थिति कमोबेश सुधरी है। तो ऐसे में अब बात उठती है, क्या सार्वजनिक रूप से जो बात हमें सही दिखाई दे रही है, क्या वह बात संवैधानिक रूप से सही है कि नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, जो बात हमें संवैधानिक रूप से सही ना दिखाई दे उस बात को मानना नहीं चाहिए। अर्थात सार्वजनिक रूप से सही दिखने वाली बात हो सकता है संवैधानिक रूप से वह बात सही नहीं हो। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस समय चर्चा कर रहा है आर्टिकल 370 की वैधता पर, क्या उसे हटाया जाना संविधान परक था या नहीं था। यह बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने रखी नहीं है, अभी दलीलें चल रही हैं। सरकार की अपनी दलीलें हैं और उन लोग की अपनी दलीलें हैं जो यह कहते हैं कि भाई आर्टिकल 370 को हटाना ये संविधान परक निर्णय नहीं है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है। ऐसे एक और मुद्दा उठाते हैं, तीन तलाक का मुद्दा। जब भारतीय सरकार ने तीन तलाक को एबॉलिश किया और कहा कि भारत में भी तलाक विद्यत नहीं चलेगा, इसको भी लेकर बहुत हल्ला हुआ, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है, और ऐसे में भारत में एक समान नागरिक संहिता जो है वह लागू नहीं है। ऐसे में तीन तलाक का मुद्दा हमारे सामने उठकर आया था, कहा गया कि शरीयत के अकॉर्डिंग तीन तलाक का मुद्दा जो है यह मुस्लिम कम्युनिटी का अपना मुद्दा है, ऐसे में सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार ने उसके बाद भी आर्टिकल 15 का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 14 का प्रयोग करते हुए यह कहा कि भाई इसके माध्यम से महिलाओं की प्रताड़ना हो रही है, ऐसे में इसको खत्म किया जाना चाहिए, अर्थात यह समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी यह मुद्दा गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी समानता के अधिकार को यहाँ पर प्रमुखता से रखा एज कम्पेयर टू धार्मिक आधार के। तो अब ये कह सकते हैं कि भाई हम जो चीजें सार्वजनिक रूप से सही देख रहे हैं हो सकता है वह संवैधानिक रूप से सही ना हो। इसके अलावा कई और मुद्दे, जैसे सबरीमाला का मुद्दा हमारे सामने आया। सबरीमाला के मुद्दे में भी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25, यहाँ पर आर्टिकल 14 समानता का अधिकार कहता है, आर्टिकल 15 यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना होने की बात करता है, आर्टिकल 25 जहाँ पर धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसके माध्यम से सबरीमाला के मुद्दे को भी सॉल्व किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केशवान भारती केस के अंदर एक बात कही थी, उसे कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर, और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा था कि भारतीय विधायिका अर्थात भारतीय पार्लियामेंट किसी भी पार्ट में परिवर्तन कर सकता है, पर उसके माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह चेंज नहीं होना चाहिए। अभी तक आप नोटिस करेंगे तो भारतीय संविधान में 105 बार परिवर्तन किया गया है। जी हाँ, अभी तक कुल अमेंडमेंट की संख्या जो है वह 105 है, अर्थात कई सारी चीजों को यहाँ पर बदला गया, और आप देखेंगे कुछ ऐसे परिवर्तन यहाँ पर हुए हैं जिन परिवर्तन को लेकर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अपनी गलतियों को लगातार सुधारता जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह था सिटीजनशिप। जी हाँ, जिस तरीके से सिटीजनशिप के मुद्दे को यहाँ पर सॉल्व किया गया वो बहुत जरूरी था। उसके अलावा आप देखेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर भी संविधान बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह रहा था, और उसको भी चीजों को ठीक किया गया। अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी भी आता था, उसको जिस तरीके से लीगल राइट बनाया गया उसके बाद, आप अगर एक बार नोटिस करेंगे तो भारत में विकास जो है वो बहुत तेजी से हुआ है। तो ऐसे में हमारे सामने सवाल उठ के आता है कि आखिर संविधान को किस तरीके से देश में चलाया जाए। देखिए, बी आर अम्बेडकर ने साफ कहा था कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, अर्थात संविधान में लगातार परिवर्तन होने का मतलब यह है कि देश की जनता इसे लगातार स्वीकार करती रहेगी। और उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था कि सिर्फ अधिकार देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, अधिकार को बचाए रखना एक सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे में आप यहाँ पर ध्यान देखेंगे कि भारतीय संविधान के लागू होने और जिस तरीके से उसे लागू करवाया जा रहा है, इसको लेकर चर्चा लाजमी है।
और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो संविधान की सही व्याख्या करे, क्योंकि भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी कमी है उसकी भाषा। भाषा कई जगहों पर ऐसी लिखी गई है जो आम आदमी के समझ से परे है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह संविधान की व्याख्या सही तरीके से करे। तो देखते हैं आर्टिकल 370 पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बातें चल रही हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या सार्वजनिक और संवैधानिक दोनों विमर्शों को ध्यान में रखता है कि नहीं रखता, और क्या निर्णय आता है, यह बात तो समय के गर्भ में छुपी हुई है। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और ज्वलंत मुद्दे की। तब तक आप इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का और इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।